कितने परसेंट औरतों को लगता है कि वो मर्दों से बेहतर कम्युनिकेटर्स हैं? फॉर श्योर। तो देखते हैं क्या है लेडीज का जवाब। 60% फ्रॉम माय एंड। 80%। लेट्स सी क्या है जेंटलमैन का एवरेज। 70%। वाओ। हाँ 70%, क्योंकि 30% थोड़ी सी हम्बल लड़कियां भी होंगी जो अपने आप में। हाँ तो वो जो आपको नहीं लग रहा कि यहाँ पर है, ये 80% है तो एक ने तो बोल दिया 60 डाला है, तो मतलब इस महारानी ने तो 90% डाल दिया होगा। तब जाके 80 हो गया। मतलब लड़के भी कुछ सेंसिबल लड़के होते हैं, कुछ जो एक्चुअली अच्छे से कम्युनिकेट कर लेते हैं, बट मोस्टली लड़के एक्सपेक्ट ये करते हैं कि एक लड़की एक गुड लिसनर हो, पर वही चीज जब उन पे आती है वो सुन नहीं पाते। हाँ हाँ ठीक है मुझे बात में, अच्छा अच्छा मुझे फोन आ गया है, हाँ हाँ ठीक है इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। सो दिस इज हाउ दे बिहेव। देखो ऊपर वाले ने ना औरतों में एक ऐसी शक्ति दी है कि वो एक ही बात को सालों तक खींच सकते हैं और इतनी पुरानी चीजें गुर्दे यू नो बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन एटलीस्ट कम्युनिकेट तो करते हैं ना। नहीं नहीं लेकिन कम्युनिकेट मतलब मैन तो रो ना कम्युनिकेट। देखो इसी से पता चल रहा है रितेश ने एक डायलॉग अभी तक नहीं बोला, जिनी ने बोल दिया। इस बेचारे इंसान को देखो। बेचारे क्या? इस मर्द को देखो। What do you mean? इस मर्द को नहीं, इस अबला मर्द को देखो। अबला। What do you mean? What do you mean? I am on the girl's side. See, I'll tell you, क्यों लड़कों में ना थोड़ा हार्मोनल रश ज्यादा होता है तो फटाफट से शुरू हो जाता है। दे डोंट हैव सो मच पेशेंस और सहनशीलता और समझदारी। वी आर बेटर कम्युनिकेटर्स। ये एंड। अगर भावनाओं की बात करें तो औरतें बहुत अच्छी तरह से कम्युनिकेट करते हैं, बट अगर काम की बात करें मेन कैन कम्युनिकेट वेरी वेल टू। यस। बट जहाँ पे फैमिली आती है, जहाँ पे इमोशंस आते हैं, जहाँ पे फीलिंग्स आती है, तो वहीं पे वो चूक जाते हैं। आप अभी लग रहे हो कि मतलब 100% श्योर हो, लेकिन आपने तो 60% दिया था। हाँ, इतनी बड़ी बड़ी बातें करके 60%। मैंने इंडिया के तरफ से दिया था क्योंकि लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को, अपने पति को या अपने फ्रेंड हो, जो भी हो, भले वो कितना भी गलत हो, उनको आगे ही रखेंगे कि नहीं नहीं दुनिया के सामने इनकी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, इनको आगे ही रखने चाहिए। ये औरतें कहाँ मिल रही है? ये औरतें कहाँ मिलती है? अरे कहाँ मिलती है मेरे को बता दे भाई। अरे घर पे एक होगी ना। अरे वो तो बोलने ही नहीं देती, तभी तो शो में आके बोल रहा है इतना। जय बेचारा औरतों का सताया हुआ लगता है, उसको हर किसी में अपनी बीवी नजर आती है, एकदम सताए हुए आदमी की तरह शुरू हो जाता है। Escapist, all men are escapist. औरतें 100 चीजें कहेंगी, 100 बातें करेंगी, लेकिन मर्द जो होते हैं वो एक सेंटेंस में वो संक्षिप्त करके बता देते हैं, फिर आप रट्टा मारते रहते हो, वही चीज घुमा फिरा के बार बार करते हैं। दैट इज नॉट ग्रेट कम्युनिकेशन। कभी भी एक सेंटेंस में आपके इमोशंस क्लब अप नहीं हो सकते। नहीं नहीं दैट इज सॉरी, ये बोल रही है कि मर्द कभी एक सेंटेंस में ज्यादा कम्युनिकेट करेंगे अपने ही बारे में बात चाहिए। अरे ये न्यूज़ चैनल नहीं है, क्या करके बोलो। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है आप दोनों के बीच में? आप दोनों सुन भी नहीं रहे थे एक दूसरे की, तो सोचो। नहीं नहीं सुन रहे थे। So hence proved. Terence, if you ask them, they'll know everything what they have said. Women always hear. हाँ? ऐसी कौन सी औरत है जिसे सब कुछ नहीं पता हो? वो तो सही है। Now what to do? Exactly. I mean, can't help it. चलो ये रहा लेडीज और जेंटलमैन का एवरेज स्कोर, देखते हैं इंडिया क्या सोचती है। इंडिया की सोच मैच कर गई जेंटलमैन की सोच के साथ। मैं जानती हूँ औरत को, औरत बहुत अच्छा। मैंने थोड़ी बोला मेरा, मैंने बोला इंडिया के औरत के साथ से 60% दिया। अरे देखो अभी कैसा मुंह छोटा हो गया। मैंने तो इंडिया के हिसाब से बोला। छोटा क्यों छोटा? इंडिया की सोच है 70% लीड। इंडिया की सोच है 70% लीड। इसको इंडिया की सोच है क्या कि इंडिया की औरत कितना भी हो जाए आखिर में जाके वो अपने मर्द को आगे ही रखती है। सिर्फ परसेंटेज देने को बोला था, एग्जांपल देने को नहीं बोला था। इंडिया की सोच है कम्युनिकेशन करती औरत। तो
इंडिया की सोच है 70% लेडीज को लगता है कि वो बेटर कम्युनिकेटर्स है. ओनली ऑन फ्लिपकार्ट विद यू वॉच प्ले विन नाउ.